तो उस त्या फिल्म टाइगर 3 में हम सलमान खान के तो एक्शन देखेंगे ही, लेकिन जैसे कि उस त्या इस फिल्म में कटरीना कैफ के एक्शन भी रहने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा दमदार। और जैसे कि यहाँ पर तो आप कह सकते हैं क्या सलमान से बेहतर हमें कटरीना के एक्शन देखने को मिलने वाले है। जैसे यहाँ सलमान खान तो टाइगर बनकर हमें बेहतरीन एक्शन करते हुए दिखेंगे जिसकी झलके हमें ट्रेलर में दिखी, लेकिन जैसे कि उसके यहाँ हाल ही में एक इंटरव्यू के बीच कटरीना जो कि खेती हुई दिखी क्या फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए उन्हें लगभग 60 दिनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। और यहाँ इतने नहीं, यहाँ पर ये भी जानने को मिल गया कि इस फिल्म के एक्शन कटरीना ने खुद किए हैं और यहाँ पर कटरीना ने बॉडी डबल का यूज़ नहीं किया है। जी हाँ, तो जहाँ एक तरफ सलमान तो अपने एक्शन सीन्स के लिए बॉडी डबल का यूज़ कर ही लेते, लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ कटरीना ने अपने एक्शन सीक्वेंस के लिए किसी बॉडी डबल का यूज़ नहीं किया और उन्होंने खुद इन एक्शन सीन्स को किए। और इस कारण से यहाँ पर हमें देखने को भी मिल ही रहा है कि हाँ इन एक्शन सीन्स में कटरीना की झलकियाँ भी दिखी रही है। और जैसे कि यहाँ पूरी तरीके से क्लियर ही देखने को मिल रहा है कि यहाँ कटरीना ने खुद इन्हें किया है, और चाहे वो किसी तरह के स्टंट्स हो या फिर खतरनाक एक्शन। तो जहाँ एक तरफ 2 महीनों की ट्रेनिंग के साथ ही कटरीना ने इन सीक्वेंस को किया है और इसी कारण से यहाँ पर फिल्म में वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखने वाली है। और इसमें रॉ एजेंट टाइगर के साथ मिलकर ISI एजेंट जो कि दुश्मनों की वाट लगाने वाली है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।